हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लासेस कठुमर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। और ये जो आज की क्लास है ये आपका इसका पार्ट नंबर 13 है, ठीक है बच्चों। यानी हमारी 12 क्लास हो चुकी हैं, 12 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो हो चुके हैं, जो क्लासें हो चुकी हैं, उनको आप रेगुलर रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों लास्ट टू वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है इस टॉपिक पर, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक का हमारा नाम क्या है? बहुल आवेशों। बहुल मतलब बहुत सारे। बहुल आवेशों के मध्य बल बहुल आवेशों के मध्य बल या इसको हम बोल सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल या हम इसको क्या बोल सकते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? टॉपिक हमारा है बहुल आवेशों के मध्य बल, ये हम बोल रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है? अब जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास एक आवेश है, मान लो Q1। आवेश है का मतलब समझ रहे हो ना? आवेश का मतलब क्या है कि कोई कण हमारे पास है, उसका आवेश है Q1, ठीक है ना। कोई कण है, कोई हमारे पास कोई पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना है? Q1। ऐसे मान लो कोई दूसरा आवेश हमारे पास क्या है? Q2। मान लो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, और मैंने कहा भाई दोनों के मध्य आप इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, दोनों के मध्य वैद्युत बल बताइए। तो आप बिल्कुल कूलंब के नियम से बता देते हो कि सर F इज इक्वल टू क्या लिख देते हो? K Q1 Q2 / r², ठीक है ना। अब सपोज करो ये हमारे पास जो सिस्टम था, जो निकाय था, यहां दो आवेश थे। अब मान लो तीसरा आवेश भी हो या चौथा आवेश हो, तो अगर दो से ज्यादा आवेश है तब हम बल कैसे निकालें? तो दो से अधिक आवेश हो तो फिर हम काम लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य बल, ये हमारा टॉपिक है। तो दो से ज्यादा आवेश किसी निकाय में हो तो हम उनके मध्य बल, किसी आवेश पर जो बल निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। तो देखो बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या है? तो सिंपली हम रफली समझेंगे कि सपोज करो मेरे पास एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, एक Q3 आवेश है, एक मान लो मैंने मान लिया Q4 आवेश है, ठीक है ना। तो मान लो ये जो सिस्टम मेरे पास है, ये निकाय जो मेरे पास है, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 चार्ज मेरे पास है, चार आवेश मेरे पास है। मैंने आपसे कहा भाई मुझे तो Q2 पे फोर्स निकालना है, मुझे Q2 पे निकालना है कितना वैद्युत बल लगेगा, इस Q2 पर परिणामी बल कितना लगेगा। तो हालांकि हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप क्या समझोगे कि इसके अलावा क्योंकि कोई आवेश स्वयं पर तो बल नहीं लगाएगा, कोई भी आवेश स्वयं पर बल नहीं लगाता, बल दूसरे आवेश के कारण ही लगेगा। तो इस Q2 आवेश पर ये वाला Q1 चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये Q3 चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और ये Q4 चार्ज भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। सपोज करो अभी हम मान लें भाई सारे हमारे पास चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, दिशा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई Q2 पे हमें फोर्स निकालना है, तो Q2 पर Q1 के कारण, तो Q2 दूर जाएगा, इससे Q2 आवेश दूर जाएगा। इसको सपोज करो मैंने मान लिया F21, क्या बोल दिया इसको? F21। Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, ऐसे। और हमें पता है कूलंब के नियम में हमने सीखा है कि जो बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, प्रतिकर्षण बल है, दूर जा रहा है। ऐसे Q4 भी लगाएगा तो ये Q4 से भी दूर जाएगा,
तो इसको मैंने बोल दिया सपोज करो F24 बोल दिया, ठीक है, ये बल की क्रिया रेखा को बता रहे हैं। ऐसे Q3 के कारण भी फोर्स लगेगा, तो Q3 के कारण ये ऐसे जा रहा है मान लो, इसे मैंने F23 बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पर परिणामी बल क्या होगा। अगर Q2 पर मैं टोटल बल की बात करूं तो बल एक सदिश राशि होती है, तो मुझे इनका सदिश योग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बल को हम सदिशों की तरह जोड़ते हैं, सदिश राशि है, सदिश योग के नियमों का ध्यान रखकर हम जोड़ेंगे। तो F2 का मतलब क्या होगा, टोटल बल की मैं बात करूं तो आप कहोगे सर F21 वेक्टर के साथ, क्योंकि सबकी दिशा अलग अलग है ना। ऐसे ही आप कहोगे सर F23 प्लस F24, ठीक है सर। F2 इज इक्वल टू F21 प्लस F23 प्लस F24। देखो टू टू नहीं आया क्योंकि कोई आवेश स्वयं पर बल नहीं लगाता, निकाय में जो भी उसके अलावा आवेश उपस्थित है उनके कारण बल लगेगा, और उन सभी बलों का हमें क्या लेना होता है, सदिश योग लेना होता है। यानी फिर इसको अपन जो हमारी वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, उसके नियम के सहायता से इसको हम हल कर पाएंगे। तो बच्चों इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसी को अपन हम लैंग्वेज के रूप में लिखें कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या कहोगे कि किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर उस निकाय के अन्य आवेशों के कारण लगने वाले कुल वैद्युत बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये होता है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको हम लिख लें, तो इसको अपन थोड़ा सा लिखे देखो। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो। तो इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, किसी निकाय में उपस्थित निकाय दो से ज्यादा आवेश है, किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर कुल वैद्युत बल का मान उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण, यानी इसके अलावा जो आवेश हैं, उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का हमारा स्टेटमेंट हो गया कि किसी निकाय में उपस्थित कोई आवेश है उस पर कुल वैद्युत बल का मान उसके अलावा जो अन्य आवेश हैं उनके कारण लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों के कौन से योग के बराबर होता है बच्चों, सदिश योग के बराबर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब चलो हम एक थोड़ा सा एक निकाय बना लें, जैसे हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, सबसे हमारा सरल सुविधापूर्ण जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है ना, एक्स वाई जेड वाला। तो चलो मैं बना लेता हूं कि भाई मेरे पास सपोज करो इस तरह से कोई सिस्टम है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक है ना। और सपोज करो हमारे पास आवेश है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई ये मान लो मेरे पास कोई Q1 आवेश है, इसका जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R1 वेक्टर। क्योंकि हम सदिश की बात करेंगे तो हमें आवेश की स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये स्थिति सदिश बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये आवेश
मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, आर वन दूरी पर है, तो ये मैंने क्यू वन आवेश मान लिया। सपोज करो ऐसे में मान लेता हूं कि मेरे पास ये कोई चार्ज है, मान लो क्यू टू मान लेता हूं, ऐसे मान लो एक और मान लेता हूं मैं क्यू थ्री मान लेता हूं। क्यू टू का जो पोजिशन वैक्टर है कितना है, आर टू वैक्टर, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको। Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर। Q3 का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं R3 वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही मान लो मेरे पास n चार्ज हैं, ये मैंने मान लिया Qn, n-वा आवेश, पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश, n-वा आवेश। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो स्थिति सदिश है, वो मैंने क्या मान लिया, Rn वेक्टर। तो ये मैंने n आवेश मान लिया, ठीक है ना। अब मैं ऐसा करता हूं, इस निकाय में एक आवेश और मान लेता हूं, उसको मैं नाम दूंगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या नाम देंगे उसको, टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं बच्चों परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो हम ये काम लेंगे काफी आगे, परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको मैं क्यू नॉट से जनरली शो कर दूंगा। और बच्चों क्या है कि क्यू नॉट जो है ना बहुत कम है, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट की वैल्यू बहुत कम है, यानी ये सिस्टम के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। इसके होने से इस निकाय का वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास ये चार्ज है क्यू एन, ये क्यू नॉट मैंने माना हुआ है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है कितना है, आर नॉट है, ठीक है। तो इस तरह मैंने एन आवेशों का एक निकाय माना, जैसे क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू एन, सबके अलग अलग स्थिति सदिश थे। Q1 का R1 था, ऐसे Q2 का R2, अलग अलग स्थिति है, पोजीशन है, सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे रह सकते हैं। तो अब मुझे Q0 पे फोर्स निकालना है, मुझे बल किस में निकालना है, Q0 पर। तो Q0 पर Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Qn भी लगाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्स, अगर आप जैसे दिखाना चाहें थोड़ा सा, कि देखो सारे पॉजिटिव है, बल किस पर लगेगा, Q0 पे। तो Q0 पर Q1 बल लगाएगा, बताओ Q0 पास जाएगा कि दूर जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल प्रतिकर्षण होगा, तो दूर जाएगा। तो सपोज करो मैंने मान लिया भाई ये डायरेक्शन जो है वो किसकी है, F01, Q0 पर Q1 के कारण, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो Q2 फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो Q2 फोर्स है, अरे तो बच्चों ये Q2 जो बल लगाएगा Q0 पर, तो Q0 इससे दूर जाएगा, तो डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, तो Q0 इससे दूर जाएगा, इसे क्या बोल दिया, F02, क्लियर है ना। ऐसे ये डायरेक्शन Q3 चार्ज है, ये Q0 है, ठीक है ना। इसको मैं यहां बना देता हूं, ये Q3 है, ये Q0 है, तो Q0 अब Q3 से दूर जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसकी इस तरह हो जाएगी। तो जहां भी हमारे पास चार्ज है उसके हिसाब से हम डायरेक्शन बना सकते हैं, F03, और लास्ट में जो हमारा Q0 है उस पर Qn के कारण जो फोर्स लगेगा, Qn के कारण। तो बच्चों ये लाइन देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है। तो Q0 पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल आपको पता है सर दूर जाएगा आज हमारा आवेश, क्योंकि तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, F not N, ठीक है। तो ये हमारा एक थोड़ा सा सरल सा एक हमने डायग्राम बनाया। तो यहां आप देख रहे हैं बलों की दिशाएं बनाई गई हैं, क्या बनाई गई हैं, बलों की दिशाएं बनाई गई हैं। तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखो अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो Q0 पर जो परिणामी बल होगा वो किस किसके कारण होगा। Q0 पर परिणामी बल बच्चों मैंने मान लिया F0, Q0 जो मैंने परीक्षण आवेश माना है उस पर परिणामी बल क्या क्या माना हमने, F0 क्या होगा बताओ, Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, प्लस Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, प्लस Q0 पर Q3 के कारण लगने वाला वैद्युत बल। ऐसे ही डॉट 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 करके हम क्या लिख सकते हैं कि Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला वैद्युत बल।
तो अब हमें दो दो आवेशों के कारण जो बल लगता है उसका मान तो हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कूलम के नियम से, तो बिल्कुल हम सभी का मान रख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मान रखते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू, तो क्यू नॉट वन की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट वन यानी क्यू नॉट वन किसके कारण, क्यू वन के कारण, ठीक है ना। क्या लिखोगे, के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन दूरी, स्थिति सदिश लेके चलेंगे आपेक्षिक वाला, तो क्यू नॉट और क्यू वन के मध्य दूरी में क्या मान लेता हूं, आर नॉट वन स्क्वायर और आर नॉट वन कैप, क्योंकि हमें सदिश रूप में लिखना है, कूलम के नियम का सदिश रूप हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये तो हो गया ऐसा परिमाण, और ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब ये डायरेक्शन जो है क्यू वन क्यू नॉट, ये डायरेक्शन आर नॉट वन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे हम एफ नॉट टू लिख सकते हैं कि क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर नॉट टू का स्क्वायर आर नॉट टू कैप, ठीक है बच्चों। ऐसे में डायरेक्ट एन के कारण लिख रहा हूं कि क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो दूरी है स्क्वायर है, दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की है, ऐसे Q नॉट Q2 के बीच की R नॉट 2, ऐसे Q नॉट Qn के बीच की R नॉट n, और ये जो कैप हमने लगाया है ये किसको बता रहा है, ये वैद्युत बल की दिशा को बता रहा है, क्लियर है ना। तो चलो इसको हम थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख लें, देखो F नॉट इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है K सम में आ रहा है, Q नॉट भी सम में आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं K और Q नॉट कॉमन ले लेता हूं, और अंदर क्या बचेगा, Q वन अपॉन R नॉट वन का स्क्वायर R नॉट वन कैप प्लस Q टू अपॉन R नॉट टू स्क्वायर R नॉट टू कैप प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, यह आ जाएगा क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप, ठीक है। अब चाहो तो के की वैल्यू भी रख सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये बच्चों एन पद है हमारे पास है, बिल्कुल हमने सीखा हुआ है, अगर एक जैसे पद जुड़ रहे हो तो हम n पदों को लिखने की बजाय एक पद लिख सकते हैं, किसकी सहायता से, समेशन की सहायता से, समेशन का यूज करके। तो आप देख रहे हैं भाई चार्ज है ऊपर, क्यू 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 सब में क्यू चार्ज है, नीचे दूरी का स्क्वायर है और ये सदिश बता रहा है, दिशा बता रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समेशन i फ्रॉम वन टू n क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर और आर नॉट आई कैप, ठीक है ना। लिख सकते थे एक पद के रूप में, समेशन आई का मान है वन से लेकर एन तक, आई का मान वन रखोगे तो क्यू वन अपॉन आर नॉट वन का स्क्वायर आर नॉट वन कैप, पहला पद आ गया, समेशन है तो प्लस आई का मान वन के बाद टू हो जाएगा क्यू टू आर नॉट टू स्क्वायर आर नॉट टू कैप, इस तरह में एन पद मिल जाते हैं। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल का मान हमने ज्ञात करा। तो हमने n आवेश माने Q1 से लेकर Qn तक, उनका हमने अलग अलग स्थिति सदिश माना, और एक तीसरा जो अलग से आवेश हमने लिया Q0, इसे हमने परीक्षण आवेश नाम दिया है, आगे बात करेंगे परीक्षण आवेश की। तो उस पर हमने क्या निकाल लिया, कुल वैद्युत बल, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, क्लियर है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, ओके तो चलो बच्चों इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आपका देखो एनसीईआरटी का छठा एग्जाम्पल है, उसको हम करते हैं सॉल्व ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक है।
तो आपके एनसीईआरटी का छठा एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका एनसीईआरटी का, आपका ये एग्जाम्पल नंबर है 6, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक क्यू के बराबर है, प्रत्येक क्यू के बराबर है और वो एल भुजा, स्मॉल एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तीन आवेशों Q1, Q2 व Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक क्यू के बराबर है। तीन आवेश हमारे पास है Q1, Q2 व Q3, जिनमें प्रत्येक किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और कह रहे हैं तथा एल भुजा, तथा स्मॉल एल भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। स्मॉल एल भुजा क्या समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक पर कोई आवेश है कैपिटल क्यू और क्यू का सजातीय है, तो उस पर हमें कुल बल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख देता हूं मैं शॉर्ट में कि त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई ये है ना क्यू के जैसा है, क्यू के सहजातीय, यानी इसकी जो प्रकृति है वो क्यू की जैसी है। क्या अगर क्यू को पॉजिटिव मानते हो तो देन कैपिटल क्यू विल बी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो कैपिटल क्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्यू के सजातीय है क्योंकि हमें बल के लिए प्रकृति का मालूम होना जरूरी है। तो कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर परिणामी बल की गणना करो, परिणामी बल की गणना करो। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपकी खोपड़ी में कि सर तीन आवेश हमारे पास है, तीन आवेश है, चलो तीन आवेश हमें दे दिए। तो तीन आवेश सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत, क्यू के बराबर है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, एल भुजा का समबाहु त्रिभुज है और जिस पर हमें फोर्स निकालना है वो सेंटर पर है, सेंट्रोइड पर है, केंद्रक पर कैपिटल क्यू है। तो भाई हम बना ले समबाहु त्रिभुज, तो ये हमने बनाया समबाहु त्रिभुज। क्लियर है बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों शीर्षों पर क्यू क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तीनों शीर्षों पर क्यू चार्ज है और इसकी जो साइड है, जो भुजा है वो कितनी है, स्मॉल एल। तो केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो अभी हमने माध्यिका बना दी, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ जाना है यहाँ पे। चलो इसको मैं सही बना देता हूँ, जो हमारी माध्यिकाएं हैं जहां इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो बच्चों इसको हम कुछ नाम भी दे देंगे, यहां पर कैपिटल क्यू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया भाई, ये मेरा त्रिभुज है ए बी सी और ये इसका सेंटर है मान लो ओ। तो आपसे कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स निकालो, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल निकालिए। तो बिल्कुल आप कहोगे कि सर कैपिटल क्यू पे मुझे बल निकालना है, तो इस पर ये भी बल लगाएगा, इस पर ये वाला आवेशी बल लगाएगा और इस पर ये वाला आवेशी बल लगाएगा। कैपिटल क्यू के अलावा जितने भी सिस्टम में आवेश हैं वो सभी आवेश इस कैपिटल क्यू पर क्या निकालेंगे, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और हमें कैसे निकालना है, इसको सदिशों की तरह निकालना है। तो बच्चों इसको ऐसा करें, थोड़ा बाहर निकाल लें,
अब देखो आपको पता है कि बल में देखो हमें जरूरत पड़ेगी आवेशों की, आवेश हमारे पास है, और दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको पता है देखो AO, BO, CO ये क्या होगा, आपको बिल्कुल पता है AO बराबर होता है BO बराबर क्या होता है CO। तो बच्चों अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल एल है तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष और केंद्रक की जो लंबाई होती है वो होती है एल बाई रूट थ्री। ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, पहले भी आपने 10वीं क्लास में छोटी क्लासों में इनको पढ़ा हुआ है सबको। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष और केंद्रक के मध्य दूरी जो होती है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा का कितना गुना कम होती है, रूट थ्री गुना कम होती है। तो एल बाई रूट थ्री इसकी दूरी होगी क्योंकि हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी दो आवेशों के बीच में। तो बच्चों इसको हम ऐसा करें, इसको हम अलग से बना लेते हैं कि भाई ये हमारा कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो इस पर फोर्स इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा और इसके कारण लगेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी बात हम करें। तो इस कैपिटल क्यू पर मान लो मैं इसके कारण फोर्स निकाल दूं तो आपको पता है भाई दूर जाएगा। इस कैपिटल क्यू पर इसके कारण फोर्स, जैसे यहां पर ये मान लो स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ये ए पॉइंट था, ये ओ पॉइंट है, यहां कैपिटल क्यू रखा हुआ है, तो इसको मैं नाम देता हूं एफ ए, बोल देता हूं एफ ए, तो ए के कारण फोर्स लग रहा है एफ ए। ऐसे बच्चों बी के कारण भी फोर्स लगेगा, तो बी हमारा आवेश ये रहा और ये कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेगा, बताओ पास जाएगा दूर जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल दूर जाएगा, तो ऐसे दूर जाएगा, इस तरह फोर्स लगेगा। तो चलो इसको मैं बोल दिया एफ बी, क्या बोल दिया इसको एफ बी, ठीक है। मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये एफ ए लग रहा है और ये कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है बच्चों एफ बी लग रहा है, क्या लग रहा है एफ बी, आ रही बात समझ में। और सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा इस तरह, ठीक है ना। सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि देखो सी पर चार्ज हमारा क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो इससे दूर जाएगा, ये होगा बच्चों एफ सी। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है, इस तरह एफ ए एफ बी और एफ सी। तो इसको भी मैं अलग से बना दूं, केवल बल बल को मैं बना दूं, इसको हम इस तरह बना ले कि हमारे पास इस तरह बल की, क्योंकि हमें परिणामी बल निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, इस तरह का आ गया, ठीक है ना। तो ये तो एफ ए को बता रहा है, ये एफ बी को बता रहा है जो बी के कारण लग रहा है, और ये किसको बता रहा है बच्चों, ये एफ सी को बता रहा है, किसको बता रहा है एफ सी को बता रहा है, क्लियर है। और बिल्कुल आपको पता है कि जो एंगल होगा तीनों के, आपको पता है ये पूरा होता है 360 डिग्री, ये बच्चों 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्लियर है बच्चों। तो अब इन तीनों का परिणामी कहां होगा, इन तीनों बलों का परिणामी कैसे निकालोगे, तो अपन क्या करेंगे पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज के नियम से इन दोनों का परिणामी ये होगा विकर्ण, पहले हम एफ बी और एफ सी का परिणामी निकालेंगे जो इसको शो करेगा, फिर इन दोनों का निकाल लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं इन दोनों का परिणामी, तो मैं इसको ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये हो गया बच्चों एफ बी और एफ सी का परिणामी। चलो इसको मैंने बोल दिया एफ बी सी, क्या बोल दिया इसको एफ बी सी। तो एफ बी सी किसका परिणामी है, एफ बी और एफ सी का परिणामी है, क्लियर है। तो अब जो परिणामी बल होगा वो आप निकाल सकते हो कैसे, अब एक तो हमारे पास क्या आ गया एफ ए आ गया, और ऊपर क्या आ गया एफ बी सी आ गया। तो अगर हम दोनों के मान निकालेंगे फिर तो हमें बस केवल क्या करना है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो जीरो हो जाएगा, विपरीत दिशा में है ना, घटाना पड़ेगा, और कोई भी ज्यादा हुआ तो ज्यादा में से हम कम को घटा देंगे, परिणामी बल आ जाएगा। तो क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई बात, कि पहले मैंने एफ बी और एफ सी का परिणामी निकालेंगे जिसकी दिशा ये होगी, और फिर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम मान तो निकाल लें, क्या क्या मान हमारे पास है, चलो तो देखो एफ ए एफ बी और एफ सी का परिमाण तो समान होगा सभी का, क्योंकि आप देख रहे हैं आवेश
क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू, दूरी बराबर है तो सभी का परिमाण तो समान होगा, तो इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, तो इनका मान क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, एल बाई रूट थ्री। दूरी कितनी है भाई, एल बाई रूट थ्री है, तो दूरी का स्क्वायर यानी एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री ऊपर चल जाएगा, तो हमारे पास ये मान कितना आएगा, थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट थ्री का स्क्वायर तीन हो गया, तीन ऊपर चला गया, तो थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हो गया बलों का परिमाण। तो अब हमें निकालना पड़ेगा पहले एफ बी सी, पहले क्या निकालेंगे एफ बी सी, तो मैं जब निकाल रहा हूं क्वेश्चन आपने लिख लिया है। ठीक है, अब हमें उसी डायग्राम से हमारा काम चल जाएगा। देखो भाई एफ ए एफ ई एफ सी हमने निकाल लिया, तीनों का मान थ्री के क्यू कैपिटल क्यू अपन एल स्क्वायर आएगा, तो अब मैं निकालूंगा एफ बी सी। तो बच्चों एफ बी सी किसका परिणाम ही है, एफ बी और एफ सी का, तो मतलब बात वही हो गई। तो ये एफ बी और एफ सी का परिणाम कैसे निकालोगे, देखो एफ बी व एफ सी परस्पर कितने कोण पर है, बिल्कुल 120 डिग्री के कोण पर है। ये सारे मान कितने हैं, 120 डिग्री। ठीक है ना, बराबर कोण है, 360 डिग्री का होता है, तीन भाग करोगे 120। तो एफ बी व एफ सी परस्पर 120 डिग्री कोण पर स्थित है। ठीक है, अतः इनका परिणाम ही निकालें, इन दोनों का परिणाम ही, एफ बी और एफ सी का परिणाम ही, तो इन दोनों का पूरे का नहीं है, कुल बल हम नहीं निकाला थी, अभी हम इन दोनों के परिणामी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, एफ बी सी। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, कि दो सदिश पी और क्यू थीटा कोण पर हो तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। यहां एफ यू और एफ सी तो क्या लिखोगे, ये परिमाण निकाल रहे हैं हम सीधे, तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस टू एफ बी एफ सी कॉस कितना है, 120 डिग्री। क्लियर है, चलो मान रख दो। तो बच्चों एफ बी सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो अंडर द रूट एफ बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यह आएगा थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ये आएगा थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस टू, तो देखो इसको इंटू करेंगे एफ बी इंटू एफ सी, तो दोबारा होल स्क्वायर हो जाएगा थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों हमें पता है कि कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, -1/2, तो क्या बचेगा बच्चों, देखो ये एफ बी सी इज इक्वल टू, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कि थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया थ्री स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देख रहे हैं एक कट जाएगा यहां से और स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी एफ बी सी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लेता हूं। तो बच्चों ये हो गया एफ बी सी, ये हमारे पास क्या हो गया एफ बी सी, एफ बी सी मतलब एफ बी और एफ सी का परिणाम ही। अब चलो एफ बी सी की बात हो गई, ये आ गया हमारे पास देखो एफ बी सी, एफ ए हमें पता ही है, एफ ए क्या है, एफ ए हमारे पास है क्या, कि थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है एफ ए बराबर एफ बी बराबर क्या है, एफ सी, पता है ना, अभी निकाला था हमने
कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना। तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर थी, 3k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन l स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि एफ ए का मान भी है 3k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन l स्क्वायर, और ऊपर वाला जो एफ बी सी है उसका मान भी कितना है, 3k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन l स्क्वायर। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, जितने न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है उतने न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी परिणामी बल क्या होगा, जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि एफ ए व एफ बी सी, एफ ए और एफ बी सी दोनों विपरीत दिशा में, एफ ए व एफ बी सी परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर कैसे है, विपरीत दिशा में है, अतः कैपिटल क्यू कौन सी अवस्था में होगा, वो संतुलन अवस्था में होगा, यानी उस पर आज कोई बल नहीं लगेगा। अतः कैपिटल क्यू संतुलन अवस्था में होगा, अर्थात जो परिणामी बल है वो इस पे क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य होगा, परिणामी बल क्या होगा, जीरो। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आई हो कुछ बात इस समय तो आप कमेंट करके बताना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।